आप देख रहे हैं एसएससीए न्यूज। आइए बात करते हैं महंगाई व श्रम कानून बदलने के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। बढ़ते महंगाई व श्रम कानून में बदलाव के विरोध में कांग्रेस एवं इंटक ने मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान इंटक के राष्ट्रीय सचिव रघुनाथ पांडे ने केंद्र को अंधी बहरी सरकार बताते हुए इन मुद्दों को लेकर आगामी 19 नवंबर तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं इंटक के संयुक्त तत्वाधान में बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के पास प्रदर्शन कर बढ़ती महंगाई एवं श्रम कानूनों को बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव, पेट्रोलियम पदार्थों एवं रसोई गैस की दरों में वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के समक्ष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल इंटर के राष्ट्रीय सचिव रघुनाथ पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को कम करने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन उल्टे आज महंगाई आसमान छूने पर भी उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। उधर जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि मजदूर हित में बने श्रम कानूनों में बदलाव कर केंद्र सरकार मजदूरों को भी गर्त में धकेल रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन आगामी 19 नवंबर तक जारी रहेगा एवं केंद्र सरकार अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाती है तो विपक्ष अपना आंदोलन लगातार जारी रखेगा। 14 नवम्बर से 29 नवम्बर तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कल हम लोग साक्षी गोल चक्कर में भी हम लोग धरना प्रदर्शन 12 बजे करेंगे, क्योंकि जो महंगाई आज चरम सीमा पर है, आपको याद होगा कि 13 रुपया सरसों तेल हुआ था तो उस समय में इंदिरा गांधी के नाम पर नारा चला था। आज आप देख ले 200 पार है। तो आज जो स्थिति बनी है महंगाई का, पेट्रोल और डीजल और गैस जो घर में गृहिणी चलाती है, महिलाएं चलाती है, जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप जाकर देखें कि क्योंकि डीजल और पेट्रोल पर सभी बहुत सारे महंगाई है, जो उससे महंगाई बढ़ता है। तो आज के टाइम में सरसों तेल जाइए लेने के लिए, पेट्रोल लेने जाइए, डीजल लेने, खाद्य सामग्री लेने जाइए, तो आज महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार है, बीजेपी की सरकार, सुनती कम है और बोलती भी कम है, लेकिन यही लोग बोले थे, महंगाई पर चर्चा करते थे, और आज महंगाई आकाश छू रहा है, कोई इन लोग को सुनाई दे नहीं रहा है। आपको याद है कि सभी लोगों को बोले थे 15 लाख दे देंगे, कहाँ गया 15 लाख। आधार कार्ड का विरोध किए थे कांग्रेस के टाइम में। आज देख लीजिए जो स्थिति भारतवर्ष में बनी है, गरीबी तो रोड पर दिखाई दे रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं, लोगों को आप बोलते हैं आवास दे रहे हैं, कहीं कोई दिखाई दे वो नहीं है, और उसके बाद केवल जो है सो केवल विदेश जाना है, और जो है सो वहाँ जाके आप अपना दिखाते हैं कि हम बहुत संपन्न है, और यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सरकार को हार फेंकिए, नहीं तो जल्द से जल्द जो है महंगाई जहाँ था वहाँ लाए। और दिन भर के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।